और जिनकी आंखों में हमारी आंखों का सपना कहीं पर रहा है, उनकी न इस हॉल में जरूरत है न इस हॉल के बाहर। आप कहते हो कि जहां हमारे समाज के लोग हैं वो हमारे लोग हैं, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। तो माननीय काशीराम ने चमचा है लिखा था, उन्होंने कहा था ऐसे तमाम सरकारों को चुन चुन कर सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। आज हम शिकायत लेकर बैठे हुए हैं कि हमारा मीडिया नहीं है, हमारी बातें नहीं दिखाई जा रही है, हमको यूट्यूब के पास जाना चाहिए, हमको फेसबुक के पास जाना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमारी सोशल मीडिया ताकत है। अरे हम किस बात पर छाती पीट रहे हैं मेरे भाई, कमाल है। आप कह रहे हो प्रिंट मीडिया बंद हो गया, हाय हाय हमारे पास कुछ नहीं, हाय हाय आप मजाक कर रहे हो। इस देश में इस साल 75 साल मना रहा है अपनी स्थापना के। आप बताओ इस हॉल में बैठे हुए लोगों और जाकर पूछना इस हॉल से बाहर जब निकलोगे तो कि 5 चन्ने जैसा कमीनल अखबार मैगजीन ऑर्गेनाइजर स्वराज 50 साल तक तो सत्ता नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के पास, नहीं थी आरएसएस के पास, फिर कैसे निकलता रहा, कैसे जिंदा रखा उन लोगों ने। और आपका मुख नायक कहा है, कहां है प्रबुद्ध भारत, कहां है समता, कहां है जस्ता। हम सब हत्यारे हैं अपनी मीडिया, हम सब अपनी मीडिया की हत्या करके और छाती पीट रहे हैं कि हमारी खबरें आज तक नहीं दिखाता, हमारी खबरें सीनियर नहीं दिखाता, हमारी खबरें रिपब्लिक नहीं दिखाता। उसको नहीं दिखाना चाहिए, उसको नहीं दिखाना चाहिए। आप पूछो मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है अखिल भारतीय परिसंघ का 2 दिवसीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में काफ़ी चीज़ें जो है रखी जा रही हैं, तमाम राज्यों से लोग आए हैं, तमाम मुद्दों के ऊपर जो तमाम मुद्दों को लेकर के बातें हो रही हैं, जिस तरीके से निजीकरण सरकार कर रही है, बहुजन मीडिया जिस तरीके से उनको कहीं ना कहीं धमकाया जाता है, और भी सारे मुद्दे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बैठक की गई है। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं, किस राज्य से आए हैं, क्या करने आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, सम्मेलन में। आपका परिचय? राजेश जोगदंड। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से क्या करने आए हैं सम्मेलन में? आए हैं समाज के वास्ते कार्य करने के वास्ते आया रहा है, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, जो देश में हिंदू मुस्लिम, हाँ, तो कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके वास्ते इधर आए हो रहे हैं। मतलब उस चीज पे चर्चा हो रही है, क्यों हो रहा है? हाँ, तो रोका जाए, उसको रोका जाए चाहिए। देश सरकार ये ठीक नहीं है क्या? नहीं है ठीक। क्यों ठीक तो है, मोदी जी करते रहे। अरे मोदी जी कर रहे तो अभी अत्याचार हो रहा ना बहुत लोगों पे। और वो तो कह रहे हैं कि हम नौकरियां भी दे रहे हैं, अब देखो उन्होंने अग्नि आरक्षण वगैरह वो बंद हो रहा ना। कहाँ बंद हो रहा, किसने बंद किया? बंद कर रहे ना अभी, क्या मोर्चा चालू था ना आरक्षण वगैरह बंद करने का, अभी ऐलान तो नहीं हुआ है। चालू था ना महाराष्ट्र में, चालू था ना आरक्षण वगैरह, यानी कि आरक्षण के ऊपर भी कहीं ना कहीं नजर है। हाँ फिर नजर है ना। सब भोजन मिलकर क्या करेंगे? हम रास्ते पे आएंगे, सब भोजन मिलकर रास्ते पे आएंगे, रोकेंगे इस चीज को, सब रोक देंगे। क्या रोकेंगे? आरक्षण रोक देंगे, आरक्षण मांग रहे ना, जब मांगे तो आरक्षण, जब नहीं अपन ने मांगे तो जब लिए नहीं उनने। कौन मांग रहा है आरक्षण? ये बाकी लोग मांग रहे ना। अच्छा, जो और सवर्ण लोग जो मांग, हाँ तो उनके में गरीबी भी तो होती है सर। अरे गरीबी जब बोले तो जब ले बोले तो जब नहीं लिए तो आप क्या लेके मांगने, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब जरूरत है तो अभी तो लेंगे वो। आप तो मांगेंगे तो क्या करने का? तो आप यानी कि आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो दबले कुचले असहाय लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा की थी, तो आपको नहीं लगता कि हमारा जो बगल में हमारा पड़ोसी जो है, जो गरीब है, असहाय है, अत्याचार से शोषित हो रहा है, उसकी हमें सहायता करनी चाहिए? उसके वास्ते सहायता के वास्ते आए ना हमने गरीब लोगों के। आप ये क्यों देख रहे हैं कि वो सवर्ण है क्या है? अत्याचार तो किसी के साथ भी हो सकता है। अत्याचार करने वाले उसको उनको हम ये देंगे ना, न्याय देंगे ना। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मैं श्याम वर्मा और राजस्थान के श्री कर्णपुर क्षेत्र से आया हूँ, जो भारत और पाकिस्तान के अंतिम छोर पर बसा है। आप ये मानिए कि मैं पाकिस्तान से ही आया हूँ, बॉर्डर एरिया से आया हूँ ना। 370 हट गया है, 35A मोदी जी ले आए हैं,
तो वहाँ पे तो शांति का माहौल है। ये जो 370 और 35A की जब आप बात करते हो और इस बात करने के पीछे जब आप शांति की बात करते हो तो ये आपकी ही जुबान पर आपके ही सिस्टम में ये कहीं शांति होगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिन राज्यों को जिन स्टेट्स को हम जिन मुद्दों पे लेकर के आज़ादी से पूर्व जिनको शामिल किया था और आज उन चीज़ से लेकर के हम अलग हटेंगे तो क्या आप सोचते हो कि शांति की स्थापना वहाँ हो रही होगी? कदापि नहीं। ये आप ये समझिए कि पानी रुका हुआ जरूर है पर अंदर हलचल है। तो हमें इस हलचल को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हुए सब आतंकवादियों को तुरंत जवाब दिया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है, आप कह रहे हैं। ये जो आप आतंकवादियों को जवाब देने की बात कह रहे हो, आप आंकड़े उठा करके देखिए मानवाधिकार आयोग के, उनके अंदर बहुत से ऐसे लोगों को आतंकवादी बना करके और उनकी मार दिया जा रहा है। आतंक के हम पक्ष में नहीं है और न्यूसेंस के पक्ष में नहीं है, परंतु मानव के अधिकारों के हनन को लेकर के जिस प्रकार मानवीय हत्याओं का दौर चला है इस मोदी राज में, हम उसकी कड़ी भर्त्सना भी करते हैं और ये मानवीय सिद्धांतों के भी खिलाफ है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि अभी मिल्टी मैन का ये चल रहा है रेलवे मिल्टी मैन, तो रेलवे स्टेशन गाड़िया जला एक करे तो उनको भी हाथ देना चाहिए ना, वो तो बात तो करना चाहिए ना। सर बात करें हम, आप लोग जहां मोदी जी के कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, क्या आपको लग रहा है कुछ नहीं किया उन्होंने? ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए कर रहे हैं, कहें तो दलित समाज के लिए कर रहे हैं, दलितों के वो पैर भी छूते, वाल्मीकि समाज के पैर धोते हैं। आपने जिस बात का जोर दिया कि पांव धोकर के पीते हैं, गांव के अंदर जो सबसे ज्यादा गरीब होता है ना तो उसको दरिद्र नारायण कह करके बुलाया जाता है और दरिद्र नारायण कहने के पीछे मकसद ये होता है कि हे दरिद्र तू दरिद्र बना रहे पर हम तेरे को ईश्वरीय उपाधि दे रहे हैं। क्या ईश्वरीय उपाधि से उसके घर में रोजी रोटी और मकान का इंतजाम हो गया? बस यही काम मोदी जी कर रहे हैं, चरण धोलो दलितों के और राज सिंहासन पर बैठकर आनंद दे दो उनको, क्या यही चलेगा? एक चरण धोने से आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बनाने वाले बन गए और आप उनके मुस्तकबिल को धूल धूसरित कर रहे हो, ये कहां तक न्यायोचित बात है? सर बात करें हम, मोदी जी ने काफी जो कहें तो बहुजन समाज के जो भी लोग हैं, दलित समाज के भी जो भी लोग हैं, उन लोगों को राज्यसभा विधानसभा में पद दिए हैं। आप जो कह रहे हो कि मोदी जी ने बहुजन समाज के लिए किया, ये बात आप नोट करके लिख लो, ये मोदी जी ने नहीं दिया, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रचित संविधान के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके द्वारा दिया। अन्यथा आप हिंदुस्तान में सबसे निम्न स्थान होता है शमशान भूमि, आप किसी दलित को शमशान भूमि का भी अध्यक्ष मेरे को हिंदुस्तान में कहीं दिखा दो तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दे दूंगा कि आपने ये खोज करके हम लोगों के सामने रखी। जहां आरक्षण का अधिकार है, जो संविधान सम्मत अधिकार है, उसमें मोदी जी क्या करेंगे और मोदी जी की कौन से उसमें खीर खा ली हमने? तो कहते तो है आप बैठिए मंदिर में जाकर के पुजारी बनिए। आप अगर मंदिर में बैठने की बात कर रहे हो तो मंदिर के बाहर क्यों लिखा है कि शूद्र यहाँ वर्जित हैं? अगर लिखा है आप किसी तिरुपति जी बालाजी के मंदिर जाइए, आप दक्षिण भारत के किसी मंदिर जाइए, छोड़िए मंदिर जाने को तो चलो उसको तो आप मेरे को एक अफवाह के तौर पे ले लेंगे, पर जो राम मंदिर हमारा रिसेंटली मुद्दा है, उसकी लड़ाई को दलितों ने पिछड़ों ने मिलकर के लड़ी और आज जो 13 सदस्यीय कमेटी बनी है राम मंदिर की, उसके अंदर कितने दलित हैं? 13 के 13 ब्राह्मण। क्या कहना चाहोगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि उसमें आप लोगों की भी हिस्सेदारी? बिल्कुल बिल्कुल। अरे जिस बात के लिए हमने बलिदान दिया, जिस बात के लिए हमें अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया, जिस बात के लिए हमने हिंदुस्तान की राजनीति को बदल दिया, जिस बात को लेकर के हमने हमारे मुस्तकबिल का जो शासक है वो मोदी को बना दिया, क्या हम उसके अंदर हिस्सेदारी के हकदार नहीं हैं? 100% हैं। ये तो हम जब तक जगे हुए नहीं हैं तब तक आप हमारे हक और अधिकारों पे कुठाराघात कर रहे हो। लेकिन सर आरक्षण के तहत आप लोगों को तो नौकरियां मिल जाती हैं, लेकिन आप जहां पंडितों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, उन लोगों का तो वहीं से होना है ना गुजारा। अगर आप ब्राह्मणों की भी अगर बात करो तो आप इस देश के अंदर आप एक संविधान के मुताबिक चलोगे,
आप अपनी जनसंख्या के आधार पर चलोगे, आपकी संख्या के उस संख्या के अनुपात में चलोगे, तो ब्राह्मणों की इस देश के अंदर संख्या कितनी है और इस देश में शासन और प्रशासन पर उसकी हिस्सेदारी कितनी है, इस पर जरा आंकड़े निकाल के देख लीजिए। अरे आंकड़ों को तो अभी निकालने के लिए आपके पास समय नहीं होगा, क्योंकि गूगल को सर्च करना होगा। मैं सिंपल छोटी सी एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर आरक्षण की सीमा 50% है, तो 50% पे तो आप 85% जनसंख्या का जो हक और अधिकार, और 50% पे 15% लोगों का, क्या ये न्यायोचित है? आपका जो, मैं ही आपसे ये सवाल कर लेता हूं आप पत्रकार होने के नाते। अच्छा आप हमसे कर रहे हैं? हाँ, मैं एक आम आदमी के नाते, क्योंकि आपके पास सूचनाओं का एक अतुल्य भंडार होता है, तो उस भंडार में ये बात हमारे लिए, हमें भी बता दो, हमारा भी ज्ञान परिमार्जन हो जाएगा। अब देखिए नौकरी दे तो रहे हैं मोदी जी, निकाल तो दिए हैं अग्निपथ। ये जो अग्निपथ है ना, आप सुनिए, धूल झोंकना मोदी जी का पर्याय है। अगर आज ये पूछा जाए कि मोदी कौन, तो फिर सीधा उभर के आता, मोदी वो जो लोगों की आंखों में धूल झोंक कर हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। धूल झोंकने की कला में अगर कोई पारंगत है तो मोदी है, इस नाते मैं मोदी का फैन हूं। कौन सी नौकरियां दी जा रही है? आप 13 रोस्टर पद्धति के माध्यम से उस आरक्षण को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हो, आप निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हो, आप संविदा कर्मियों को लगाने के नाम पर आरक्षण को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हो, और अंत में आप अग्निवीर को लेकर के इस जो सुरक्षा के हमारे मापदंड जिन सैनिकों के बल पर होता है, आप उनको भी संविदा में ले आए। ये मोदी जी की उपलब्धि, मोदी जी की उपलब्धि नहीं, ये इस भारत का कलंकित दिवस है। और मेरा ये मानना है कि मोदी इस देश के अंदर जिस प्रकार अराजकता को, जिस प्रकार बेमनस्यता को, जिस प्रकार आपसी भाईचारा को खंडित कर रहा है, मुझे तो फिर वही लग रहा है कि देश इस भाई की ओर ही जा रहा है। अच्छा हमारे साथ महिला भी जुड़ चुकी है, आप एक महिला हैं मैडम जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से मोदी जी की योजनाएं लगातार अपनी वो योजना निकाल रहे हैं देश के लिए, कहीं ना कहीं समर्पित रहते हैं, क्या कहेंगे जी? योजना, मैं ज़ेबा खान किसान आंदोलन की लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, क्या कहेंगे? मैं ये बोलूंगी कि ये सारे जो हैं भ्रम है, झूठ है, छल है, छलावा है। 2014 से जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है देश के युवाओं को छलने की, देश के लोगों को छलने की, वो प्रक्रिया आज तक चल रही है। सबसे पहले सत्ता में बोल कर आए थे कि वन रैंक वन पेंशन वादा किए थे, और अब नो रैंक नो पेंशन, युवाओं से जो एक तो 4 साल के लिए नौकरी, और उसके बाद से जब रिटायर होंगे तो उनके पास पेंशन भी नहीं रहेगा। पढ़ने लिखने के उम्र में वो कठिन परिश्रम करके, प्रैक्टिस करके सैनिक बनेंगे, और उसके पास उनको रिटायरमेंट हो जाएगी, है ना, जब कम, जब तो इतने कम उम्र। और जगहों पे भी तो उनको ऑप्शन दे रखा है ना, और भी जगह पे कौन से विभाग में? अच्छा पुलिस विभाग में ऑप्शन 2014 में ये बोल कर आए थे प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो क्या प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, तो वो क्या आए किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? तो क्या देखिए ना मैडम, आय दुगनी हुई 2 साल में, देखिए ना कोरोना भी आ गया, इतना संकट आ गया। उससे पहले 2 साल में कोरोना जब आया था तो एक साथ फंड लिया गया था गरीबों के नाम पर, देश में कोरोना के नाम पर किसान पीएम केयर्स फंड जिसका नाम था, तो वो पीएम केयर्स फंड जो है वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं था, है ना, उस वो कहां गया नहीं गया उसके बारे में किसी को पता नहीं। आपको पता है तो प्लीज बताइए कि वो पीएम केयर्स फंड कहां गया। महिलाओं के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए देखे तो उनकी सुरक्षा को लेकर के काफी चीजें, हाँ क्या आई है, जैसे मनीषा वाल्मीकि की एक नया ट्रेंड चला है आजकल के महिलाओं के साथ रेप भी हो जाता है, इंसाफ के जगह उनको आधी रात में छुप छिपा कर चोर के जैसा सम्मानित अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता। ये तो हुआ है 2014 के बाद, जो पहले कभी महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दिया गया था कि महिलाओं के अपमान, रेप के बाद बलात्कार के बाद बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा निकाला गया और निकाला जाता है, और महिलाओं को जो बेचारी जिनके साथ पहले ही इतना अत्याचार हो गया है, रात को परिवार अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता, ये तो हुआ है। और आज तक
2014 से पहले ये बात भी है कि किसानों को भी इतना इंसाफ कभी नहीं मिला है जिस तरह लखीमपुर खीरी के हमारे किसानों को इंसाफ मिला। थार गाड़ी चढ़ा दी गई और अभी तक मंत्री जी के पुत्र को छोड़ भी दिया गया, फिर गए हैं भी अंदर और मंत्री जी अब तक अपने गद्दी पर गद्दी नशीन है। इतना इंसाफ तो कभी नहीं हुआ है। ये बात तो तमाम जनता से क्या कहना चाहिए? मैं तमाम जनता से ये अपील करना चाहूंगी, देश के युवाओं से खासकर, कि भाजपा के छल और छलावे में ना पड़े। आपके लिए, हमारे लिए आपसी भाईचारा जरूरी है। धर्म के नाम पर ये बांटकर लगातार राजनीति कर रही है वोट बैंक की, फायदा सत्ता में बैठे लोगों को होगा, हमें नहीं होगा। हमारे लिए रोजगार जरूरी है, किसान खुश रहे, किसानों की आय दुगनी हो, ये जरूरी है। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, युवाओं को रोजगार मिले, हर अच्छी शिक्षा हो, अच्छी चिकित्सा हो, ये जरूरी है। भ्रम में ना आइए, बहकावे में ना आइए और अपनी अकल लगाइए, होश में रहिए। युवाओं से ये गुजारिश है मेरी, आपसी प्यार भाईचारा को बना के रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने के साथ लिखने के अत्याचार, हमें गाली दे दिया और आप अपने औरतों के साथ क्या करते हैं? अगर वो रियलाइजेशन हो जाए तो पता लगेगा।